नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। वर्ल्ड चैंपियन विनेश फोगाट, यही कहना चाहिए उस लड़की के लिए जो कि तमाम लड़ाइयों को झेलकर, तमाम लड़ाइयों को लड़कर पेरिस ओलंपिक गेम्स खत्म होने के बाद आज भारत लौट रही है। जिस समय ये वीडियो आप देख रहे हैं, विनेश फोगाट लैंड कर चुकी होंगी इंडिया में और एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने के लिए उनके जितने करीबी लोग हैं, उनके दोस्त हैं, उनके समर्थक सब मौजूद हैं। जितनी भी पिक्चर्स सुबह से आप देख रहे हैं विनेश फोगाट के स्वागत में, कुछ उनके गांव के हैं, कुछ उनके दोस्त हैं, उनके समर्थक हैं, सब सोशल मीडिया के जरिए जितना भी समर्थन जोड़ने की कोशिश की गई है विनेश फोगाट के लिए, आज वो सब लोग मौजूद होंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सरकार विनेश फोगाट के लिए आज क्या पलके बिछाकर इंतजार नहीं कर सकती थी एयरपोर्ट पर? खैर, उसमें मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन कल रात को यानी कि भारत आने के पहले विनेश ने एक ट्वीट लिखा, और वो ट्वीट क्या, वो तीन पन्ने की एक चिट्ठी थी जिसको ट्वीट किया उन्होंने लगभग 8:05 पर, यानी कि 16 अगस्त को, और जिसके 2 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। और इसका कारण ये है कि वो इतनी भावुक चिट्ठी है, उन्होंने देश के नाम लिखी थी। लेकिन उस चिट्ठी के पहले, उस चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा है, इसके पहले मैं आपको बताऊं, मैं एक ट्वीट आपको दिखाना चाहती हूं जो कि शायद 8 अगस्त का ट्वीट है, जिस दिन विनेश को ये पता चला था कि वो डिस्क्वालिफाई हो गई हैं। और उन्होंने उस दिन उस ट्वीट में क्या लिखा था, ये भी मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आइए इस ट्वीट को देखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही भावुक ट्वीट था, जिसमें कि उन्होंने ये, जब उनको पता चला कि 100 ग्राम एक्सेस बॉडी वेट है जिसके वजह से वो फाइनल राउंड में नहीं आ पाएंगी, तो उसके बाद उन्होंने क्या लिखा, ये देखिए। माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना, आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही अब, अलविदा कुश्ती 2001 से 2024 तक। उन्होंने ये माफी मांगते हुए इसको लिखा था, और साथ में ये भी लिखा कि मैं आप सबकी ऋणी रहूंगी। लेकिन ये 8 अगस्त का ट्वीट, और आज 17 अगस्त है। इस 8 दिन में शायद विनेश फोगाट को ये पता चला कि लड़ाई क्या होती है और लड़ाई के जज्बे को जिंदा रखना क्या होता है। और इसी वजह से जो कल रात का उनकी, उनका जो ट्वीट था जिसमें कि 3 पन्ने की चिट्ठी लिखी है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडियन एक्सप्रेस ने उस 3 पेज की जो चिट्ठी है उसको हूबहू पूरा इस तरह से छाप दिया है, और छाप कर बायलाइन विनेश फोगाट को दिया है। अगर आप इसको बहुत क्लोजली देखें तो इसमें विनेश फोगाट का नाम आपको दिखेगा कि विनेश फोगाट ने इस चिट्ठी को कैसे लिखा है, तो इस पूरे चिट्ठी को हूबहू छापा है। अब आइए क्या उन्होंने बोला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी शुरुआत में मैं नहीं जाऊंगी, लास्ट की जो लाइन है जिसमें कि विनेश फोगाट कहती है कि मैं 2032 का जो ओलंपिक है उसको लड़ूंगी, उसमें फाइट करूंगी। यानी कि जो उनके संन्यास लेने का फैसला था, जो उन्होंने 8 अगस्त को कहा था कि मैं अलविदा कह रही हूँ कुश्ती से, तो उस अलविदा वाले डिसीशन को, उस निर्णय को विनेश फोगाट ने वापस ले लिया है, और उनकी इस चिट्ठी से साबित होता है। मैं उस लाइन को आपको पढ़ के बताना चाह रही हूँ ताकि आपको ये आइडिया लगे कि उन्होंने क्या लिखा है। लास्ट पैराग्राफ है उस चिट्ठी का, उसको ध्यान से देखिएगा। लास्ट पैराग्राफ जो आपके लिए हाईलाइट करूंगी मैं, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि टू माई टीम, माई फेलो इंडियंस एंड माई फैमिली, यानी कि उन्होंने अपने परिवार को, अपनी टीम को और बाकी जो भारतीय हैं उनको एड्रेस करते हुए, उनको संबोधित करते हुए लिखा है कि फील्स लाइक द गोल दैट वी वर वर्किंग टूवर्ड्स एंड व्हाट वी हैड प्लान टू अचीव इज अनफिनिश्ड, यानी कि जिस काम को मैंने शुरू किया था वो अभी खत्म नहीं हुआ है। और उसके बाद वो लिखती है दैट समथिंग माइट ऑलवेज रिमेन मिसिंग and that these things might never be the same again, यानी कि जो वो miss कर रही हैं उस चीज़ को वो पूरा करने का निर्णय ले रही हैं। Maybe under different circumstances, I could see myself playing till 2032, यानी कि वो कह रही हैं कि अलग भूमिका में, अलग फोरम में वो अपने आप को 2032 तक कुश्ती लड़ते हुए देख रही हैं किसी न किसी फॉर्म में, because the fight in me and the wrestling in me will always be there. वो कह रही है कि कोई कुश्ती का जो जज्बा है वो मेरे अंदर से कोई छीन नहीं सकता है, इसलिए किसी न किसी रूप में, किसी न किसी फॉर्म में मैं कुश्ती
लड़ती रहूंगी, यानी कि जो संन्यास लेने का फैसला था वो इमोशनल होकर लिखा उन्होंने, और जो कि बट नेचुरल है कि सेमीफाइनल राउंड को क्वालिफाई करने के बाद जिस व्यक्ति को ये पता चले कि 100 ग्राम एक्सेस बॉडी वेट है उसके शरीर में, 100 ग्राम अधिक वेट है जिसकी वजह से वो डिसक्वालिफाई हो गई, जिसकी वजह से उन्हें सिल्वर मेडल भी नहीं मिला, तो वो व्यक्ति जो कि इतना हार चुका था, थक चुका था और जिसने माँ कुश्ती को अलविदा कह दिया था, उस निर्णय को विनेश फोगाट ने वापस ले लिया है। और इस चिट्ठी से ये बात पूरी साबित होती है। उसके लास्ट पैराग्राफ में है दैट आई सी माई सेल्फ प्लेइंग टिल 2032, यानी कि 2032 तक मैं अपने आप को कुश्ती में लड़ता हुआ देख रही हूँ। आई कांट प्रिडिक्ट व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर मी एंड व्हाट अवेट्स मी इन दिस जर्नी नेक्स्ट, बट आई एम श्योर दैट आई विल कंटिन्यू टू फाइट ऑलवेज फॉर व्हाट आई बिलीव इन एंड फॉर द राइट थिंग। उन्होंने कहा है कि जो मुझे ठीक लगता है उस चीज के लिए मैं हमेशा लड़ती रहूंगी। और विनेश फोगाट ने जिस तरीके से जो पिछले साल बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो एक लड़ाई लड़ी थी, विनेश फोगाट की वो आप तस्वीर मत भूलिएगा जंतर मंतर पर, जब वो भारत का जो तिरंगा था वो उनके छाती पर था और उनको लोग घसीट रहे थे, उसी तस्वीर का जिक्र उन्होंने अपनी इस 3 पेज की चिट्ठी में भी किया है। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। सबसे पहले तो उनका निर्णय था, जो सबसे बड़ा डिसीजन था, कि वो कुश्ती से संन्यास नहीं ले रही है और वो 2032 तक कुश्ती लड़ेंगी और उसके आगे भी जो चीज सही है, जो समाज के लिए सही है, जो भारत के लिए सही है, जो महिलाओं के लिए सही है, उस चीज की लड़ाई को वो आगे लड़ती रहेंगी। लेकिन एक भावुक चिट्ठी थी, उसमें उन्होंने क्या लिखा है, उसका एक शीर्षक है ओलंपिक रिंग्स, यानी कि ओलंपिक रिंग में क्या कुछ होता है। और उसके बाद वो अपनी जर्नी को बताती हैं कि कैसे मैं एक छोटे से गांव की लड़की थी और मेरा एक सपना था कि हाथ में मोबाइल, लंबे बाल लेकर मैं चलूं, जो कि किसी भी एक साधारण युवा लड़की का एक सपना होता है। और उसने ये भी बताया विनेश फोगाट ने अपनी इस चिट्ठी में कि उनके फादर एक उनके जो पिता थे वो एक बस चालक थे और हमेशा वो ये कहते थे कि बड़ी उड़ान उड़ना, और उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें हवाई जहाज में उड़ता हुआ ऊंचाई पर देखना चाहता हूं और मैं नीचे बस चलाऊंगा। लेकिन जब उनके जो पिताजी थे उनका देहांत हो गया तो उसके बाद उनकी जो माँ थी उन्होंने उन छोटे छोटे सपनों को बुनने की कोशिश की, लेकिन विधि का विधान कह लीजिए, उनकी माता को स्टेज 3 का कैंसर हुआ और फिर ये जो 3 बहनें थी, 3 बच्चे थे और जिसमें कि विनेश फोगाट सबसे छोटी थी, तो विनेश ने कहा कि मैं ही ऐसा लग रहा था कि अपने माता पिता का सपना पूरा करूंगी। और उस चिट्ठी में उन्होंने ये भी लिखा है कि किस तरीके से उनके जो पति हैं उनका उन्होंने जिक्र किया है, और मैं उसको पढ़ के वो लाइन आपको बताना चाहती हूँ कि डिस्पाइट अ डिफिकल्ट रोड अहेड वी एज अ फैमिली नेवर लॉस्ट फेथ इन गॉड, यानी कि परिवार का जो भगवान में भरोसा था वो खत्म नहीं हुआ। और उसके बाद उन्होंने लिखा कि ऑलवेज ट्रस्टेड दैट ही हैड प्लान्ड द राइट थिंग्स फॉर अस, मदर ऑलवेज सेड, यानी कि उनकी माँ हमेशा ये कहती थी कि भगवान अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करता है। फिर उसके बाद उन्होंने अपने पति का जिक्र किया है, सोमवीर जिनका नाम है। आई क्रॉस पाथ्स विद सोमवीर माय हस्बैंड माय सोलमेट माय कंपेनियन एंड बेस्ट फ्रेंड, यानी कि जो उनके पति थे वो उनके सोलमेट थे, उनके कंपेनियन थे और उनके सबसे अच्छे दोस्त थे जिनका सपोर्ट उनको हमेशा मिला। और उन्होंने कहा कि हम इक्वल पार्टनर्स थे, हम बराबर के हिस्सेदार थे हर चीज में, और जब भी मुझे चुनौती का सामना करना पड़ा वो हमेशा मेरे सामने, दाएं बाएं पीछे आगे, हमेशा उन्होंने सोमवीर को अपने साथ पाया। और उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी जो यात्रा थी वो इस यात्रा का सफर पूरा नहीं कर सकती थी अगर सोमवीर उनके साथ नहीं होते। और उन्होंने साथ में ये भी लिखा कि माई जर्नी हियर हैज अलाउड मी टू मीट सो मेनी पीपल, और अपनी इस यात्रा में जिन जिन लोगों ने उनका साथ दिया, आज उस चिट्ठी में उन्होंने उन लोगों का भी जिक्र किया है। मैं अब आपको बताती हूँ एक एक करके। डॉक्टर दिनशा पारदीवाला, जो कि एक नया नाम नहीं है स्पोर्ट्स की दुनिया में, और उन्होंने ये लिखा है कि दिस इज नॉट अ न्यू नेम इन इंडियन स्पोर्ट्स फॉर मी एंड आई थिंक फॉर मेनी अदर इंडियन एथलीट्स, ही इज नॉट जस्ट अ डॉक्टर बट एन एंजल, यानी कि वो डॉक्टर नहीं है बल्कि वो मेरे लिए फरिश्ता है और उन पर मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। तो एक डॉक्टर दिनशा पारदीवाला का उन्होंने मेंशन किया, उन्होंने कहा कि जिस ईमानदारी से और जिस उदारता से उन्होंने मेरा ख्याल रखा, मेरे पास शब्द नहीं है
उनको धन्यवाद देने के लिए। तो डॉक्टर दिनशा पारदीवाला को उन्होंने धन्यवाद दिया। फिर उसके बाद डॉक्टर वेन पैट्रिक लॉम्बार्ड जिन्होंने उन्होंने लिखा है कि हैज हेल्प मी थ्रू मोस्ट डिफिकल्ट जर्नी दैट एन एथलीट फेसेस नॉट वंस बट ट्वाइस साइंस इज वन साइड नो डाउट अबाउट हिज एक्सपर्टीज बट हिज काइंड पेशेंट एंड क्रिएटिव अप्रोच टुवर्ड्स हैंडलिंग कॉम्प्लिकेटेड इंजरीज हैज गॉटन मी सो फार। यानी कि जो गंभीर से गंभीर चोट अगर लगी हो तो भी डॉक्टर वेन पैट्रिक लॉम्बार्ड जैसा व्यक्ति उसको टैकल करने में, उसको हैंडल करने में कितना सक्षम रहता है, और उनका भी उन्होंने धन्यवाद दिया है। तीसरा व्यक्ति जिसको इस चिट्ठी में उन्होंने धन्यवाद दिया है वो है वॉलर एकोस, जो कि कोच थे उनके, हंगेरियन कोच, जिनके बारे में मैंने कल भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर बताया था कि उन्होंने एक बहुत भावुक पोस्ट लिखा लेकिन किस दबाव में उस पोस्ट को डिलीट कर दिया। और उन्होंने यही लिखा था कि जिस तरीके से विनेश ने लड़ाई लड़ी वो मर भी सकती थी, उसकी मृत्यु हो सकती थी। उसी वॉलर एकोस को उन्होंने धन्यवाद दिया है कि उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे और किस तरीके से हर पल हर क्षण वो मेरे साथ खड़े हुए थे। वो केवल कोच ही नहीं बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा थे। और उस लाइन को मैं पढ़ना चाहती हूँ ताकि लोग देखें कि वॉलर एकोस के बारे में विनेश फोगाट ने क्या लिखा है। एनीथिंग आई राइट अबाउट हिम विल ऑलवेज बी लेस, मैं कितना भी लिखूं शब्द कम पड़ जाएंगे। इन द वर्ल्ड ऑफ वुमेन्स रेसलिंग आई हैव फाउंड हिम टू बी द बेस्ट कोच, यानी कि वुमेन कोचिंग, वुमेन रेसलिंग के लिए वो सबसे बढ़िया, विश्व के सबसे उम्दा कोच के रूप में वो साबित हुए हैं, बेस्ट गाइड रहे हैं एंड बेस्ट ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग, एक अच्छे इंसान भी हैं साथ साथ। एबल टू हैंडल एनी सिचुएशन विद हिज कामनेस पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने पूरी सिचुएशन को फेस किया है उसकी सराहना विनेश फोगाट ने की है। उन्होंने ये भी लिखा कि ही डज नॉट हैव द वर्ड इम्पॉसिबल इन हिज डिक्शनरी, यानी कि उनकी डिक्शनरी में नहीं हो सकता का शब्द ही नहीं, यानी कि इम्पॉसिबल वर्ड उनकी डिक्शनरी में बिल्कुल नहीं है। There were times when I doubted myself, यानी कि कुछ ऐसे क्षण भी आए मेरी जिंदगी में जब मुझे अपने ऊपर डाउट हो रहा था, विनेश फोगाट कह रही हैं, लेकिन उस व्यक्ति को मेरे ऊपर हमेशा भरोसा था। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि he was more than a coach, यानी कि वो सिर्फ कोच नहीं थे, मेरा परिवार थे और मेरी रेसलिंग की दुनिया के सब कुछ थे। He was never hungry to take credit for my victory, यानी कि अगर मैं जीतूं तो वो क्रेडिट की भूखे नहीं थे कि उनको क्रेडिट मिल जाए, और हमेशा एक स्टेप पीछे लेते थे। बट आई वॉन्ट टू गिव हिम द रिकॉग्निशन ही मच डिजर्व्स, आज उनको वो रिकॉग्निशन विनेश फोगाट देना चाह रही हैं। उन्होंने कहा कि वट एवर आई डू विल नेवर बी इनफ टू थैंक हिम फॉर द सैक्रिफाइसेस, उन्होंने बहुत त्याग किए, इसलिए विनेश फोगाट कह रही हैं कि जितने भी शब्द मैं उनके लिए लिखूं उनको क्रेडिट देने के लिए वो कम पड़ जाएंगे। और उन्होंने एक बात का जिक्र किया जो कि मुझे लगता है कि सबको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। विनेश फोगाट इस 3 पेज की चिट्ठी में लिखती हैं, I can never repay him for the time he lost with his 2 small boys. Waller Acos के 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं और इतना लंबा अरसा ट्रेनिंग का जो गया और अपने बच्चों से वो दूर रहे उसका जिक्र किया है विनेश फोगाट ने। और लिखा है I wonder if they know what their father has done for me. यानी कि Waller Acos के बच्चों को वो बता रही हैं, उनको एड्रेस करते हुए लिख रही हैं कि मैं कैसे आपको बताऊं कि आपके पिता ने मेरे लिए क्या किया है। I wonder if they know what their father has done for me and if they understand how important his contributions have been. यानी कि मेरी जिंदगी में उनका कितना बड़ा योगदान है, वो उनके बच्चों को एड्रेस करते हुए बोल रही हैं। जो बच्चे आज ये सोच रहे होंगे कि उनके फादर कोच थे, एक लंबे समय तक उनके साथ नहीं रह रहे थे, उनको एड्रेस करते हुए विनेश फोगाट लिख रही हैं। All I can do today is tell the world that if it hadn't been for you, I would not have done on the mat what I have done. यानी कि कुश्ती की दुनिया में मैं वो मकाम पर नहीं पहुंच सकती थी अगर आपके पिता मेरा साथ नहीं देते। Waller Acos के बच्चों को एड्रेस करते हुए ये लिखा है। ये वही व्यक्ति कर सकता है जो कि बहुत होगा मन से, एक जज्बा होगा उसकी जिंदगी में कुछ करने का, तो आज अपने कोच के बच्चों तक को वो एड्रेस कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कम खिलाड़ियों को मैंने इस जज्बे के साथ, इस भावना के साथ जूझते हुए, लड़ते हुए और आगे बढ़ते हुए देखा है। तो दिनशा पारदीवाला का नाम लिया उन्होंने, डॉक्टर वेन पैट्रिक लॉम्बार्ड का, वॉलर एकोस का, अश्विनी जीवन पाटिल का नाम लिया है, तजिंदर कौर का नाम लिया है और पूरी OGQ टीम का नाम लिया है जिसमें तमाम लोग हैं, वीरेन रास्किना, यतिन भटकर, मुग्धा बारवे, उन तमाम लोगों का नाम लेकर उन्होंने इस बात को कहा है। लेकिन एक बात जो उनके इस पूरे चिट्ठी में साबित होती है, Our efforts did not stop, we did not surrender. यानी कि उन्होंने जिक्र किया है
6 और 7 अगस्त का जब उन्होंने सेमीफाइनल राउंड जीता, और सेमीफाइनल राउंड के बाद जब उनको पता चला कि 2.7 केजीज उनके बॉडी में एक्सेस वेट है, और जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई की, जिस तरीके से उन्होंने वेट को कम करने की कोशिश की, जो वॉलर एकॉस के कल की पोस्ट में इस बात का जिक्र है कि किस तरीके से उन्होंने साइकिलिंग किया, सोना बात लिया और कार्डियो मशीन्स पर काम किया, और वो कोलैप्स करने वाली थी, यानी कि वो बात किन शब्दों में वो बता रही है, मैं आपको पढ़कर बताना चाहती हूँ। ड्यूरिंग द रेस्टलेस प्रोटेस्ट आई वॉज फाइटिंग हार्ड टू प्रोटेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ वुमेन, यानी कि महिलाओं की गरिमा की लड़ाई में पिछले साल लड़ रही थी, उसका उन्होंने जिक्र किया है। एंड वैल्यूज ऑफ आर इंडियन फ्लैग, यानी कि जो हमारे भारत के तिरंगे की जो कीमत है उसको मैं आंकने की उस समय कोशिश कर रही थी, और उसमें उन्होंने लिखा है कि बट व्हेन आई लुक एट द पिक्चर्स ऑफ मी विद द इंडियन फ्लैग फ्रॉम 28 मई 2023, यानी कि 28 मई 2023 में जब वो पहलवानों के प्रोटेस्ट में अपने आप को उन्होंने शामिल किया था, उस समय वो भारत के तिरंगे की आन बान शान की लड़ाई लड़ रही थी, और रेसलिंग की दुनिया में ये पहलवानों की लड़ाई कहाँ पहुंची है उसको वो उस तिरंगे के जरिए बताने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस समय आपने देखा था कि किस तरीके से भारत के तिरंगे को उन्होंने अपने छाती पर रखा था, और पुलिस उनको, तो वो लिखती हैं कि it haunts me, it was my wish to have the Indian flag high this Olympics, to have a picture of the Indian flag with me that truly represents its value. I felt that by doing this, it will correctly represent what the flag went through and what wrestling went through. There is much more to say and so much more to tell, but words will never be enough. लेकिन कुल मिलाकर जो वो बताने की कोशिश कर रही है कि 6 और 7 अगस्त को उन्होंने सरेंडर नहीं किया, ठीक है, कि on the night of 6th August and the morning of 7th August, all I want to say is that I did not give up, our efforts did not stop. तो ऐसी बेटी को आप क्या कहेंगे? क्या विनेश फोगाट आज वर्ल्ड चैंपियन नहीं है, और हमारी सरकार उनके लिए क्या करेगी, किस तरीके से उस विनेश फोगाट का स्वागत करेगी, अब ये देखना होगा। अब बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।